तो देखिए, भजन गाकर, राम धुन को गाकर लोग अपनी भक्ति, लोग अपनी शक्ति का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि अयोध्या नगरी त्रेता युग वाली अयोध्या हो गई है। यह अयोध्या नगरी 2024 से ठीक पहले कैसे राम नाम की लहर पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा रही है, ये आप साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं। राम मंदिर के पास हम मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं से जब मैंने बातचीत की तो सुनिए, उनके चेहरे पर, उनके शब्दों में राम नाम गुणगान था। तो साथ ही साथ वो ये भी कह रहे थे कि अगर मौजूदा सरकार नहीं होती तो शायद राम मंदिर बनना संभव ना हो पाता। जन सैलाब जो इस वक्त अयोध्या में उमड़ा हुआ है, दरअसल ये जन सैलाब राम लहर का है। और ये राम लहर कैसे अयोध्या को त्रेता युग वाली अयोध्या बना रही है, वो लगातार आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। कल रामलला की प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी, वो ऐतिहासिक तारीख जब 500 साल का इंतजार प्रभु श्री राम का खत्म हुआ और प्रभु श्री राम अपने भव्य दिव्य और अलौकिक मंदिर में विराजमान हो गए। जिसके बाद जैसे ही आम लोगों को यानी राम भक्तों को मौका मिला, वैसे ही राम भक्त बड़ी बड़ी लाइनों में लग गए, लंबी लंबी लाइनों में लग गए। और यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है प्रभु श्री राम आखिर कैसे उन्हें दर्शन देंगे, प्रभु श्री राम कैसे आखिर उनसे उनके सामने आएंगे। तो सदियों के बाद ये दिन आया है, अपने अलौकिक घर में रामलला विराजे हैं और भक्त उनका इंतजार कर रहे हैं, भक्त उनके दर्शनों के लिए लगे हुए हैं। हर कोई अपने आराध्य प्रभु श्री राम को देखने के लिए बेताब है। राम मंदिर के बाहर सैकड़ों की संख्या में राम भक्तों की भीड़ कतार में लगी है। सबकी एक ही चाहत है कि भगवान श्री राम के दर्शन उन्हें हो जाएं। पहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक फिर भक्तों के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। शाम 7 बजे रामलला की संख्या आरती होगी और रामलला की हर दिन 5 बार आरती की जाएगी। तो प्रभु श्री राम को लेकर जो जन सैलाब है, जो प्रभु श्री राम का उद्घोष है, वो आप महसूस कर सकते हैं। कहाँ से आए? जय श्री। कहाँ से आए आप? हाँ जी, हरियाणा से। कब आए? आज हो गया, चौथे दिन है। चौथे दिन हो गए। हाँ जी, कैसा लग रहा है प्रभु श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जय 500 साल से जिस वक्त का इंतजार कर रहे थे, कभी सोचा था कि ऐसा दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचे। ये तो योगी जी की देन है, ये तो योगी जी की देन है, उनके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। योगी मोदी दोनों जो की देन है। जो आजाद दादा बाबा नहीं कर पाए वो लोग, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है जो हम लोग दर्शन पा रहे हैं। प्रभु श्री राम की कृपा है ये। लोग कहाँ कहाँ से, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, पैदल उसके बाद ट्रेन की पटरी पकड़ के लोग आए हैं। लेकिन यहाँ का प्रशासन थोड़ा सा दुर्व्यवहार कर रहा है, वो करेगा भाई, भीड़ ज्यादा हो गई है। उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन भीड़ बहुत है। आज तक किसी सरकार ने इसका मुद्दा उठाया नहीं। फाइल दबवा दी जाती थी, बड़े बड़े वकील खरीदे जाते थे 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ में, 20-20 करोड़ रुपए दे दे के दबवा दी जाता। फाइल कभी उठी नहीं, फाइल ना उत्तर प्रदेश की सरकार, ना सेंट्रल की सरकार, किसी ने नहीं किया। सिर्फ मोदी योगी जी ने जिस दिन कहा था, जिस दिन हमारी दोनों जगह सरकार होगी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जिस दिन हमारी सरकार केंद्र और राज्य में होगी, हम राम मंदिर निर्माण करवाएंगे। कैसा, अब कभी सोचा था कि 500 साल का इंतजार ऐसे खत्म होगा और इतना भव्य मंदिर बनेगा? जी सोचा था। और राम का जो मंदिर है वो भगवान का मंदिर, भगवान खुद बनवाए हैं। जय श्री राम। इसमें कोई राजनीतिक पार्टी का कोई हाथ नहीं है। जय श्री राम। अच्छा, ये बताइए, चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, ये मुद्दा लोकसभा चुनावों में क्या रहेगा? और राम मंदिर का जो क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है, किसको जा रहा है क्रेडिट? ये पूरा क्लीन स्वीप मोदी जी के पक्ष में रहेगा। मतलब पूरे 400 प्लस सीटें आएगी मोदी जी की, और हमें एक बार रामलला जी के दर्शन हो जाए, फिर हमारे प्राण चले जाए तो कोई बात नहीं। और ये जो भी मंदिर बना है भव्य इतने सालों बाद, वो सब मोदी जी की देन है, योगी जी की देन है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है। बाकी सारी पार्टियां बेकार है, फैले। इसीलिए राम मंदिर को लेकर कहाँ से आए आप? तमिलनाडु से। हरण जी, कितने दिन से आए हुए हैं? 19 डेट को आए, 19 को आए वाराणसी से। कल 11 बजे अभी भगवान देख रहा हूँ। कैसा लग रहा है दर्शन करने जा रहे हैं? बहुत बढ़िया। सब हिंदुस्तान बोर, अरे हिंदुस्तान पूरा अच्छा होना चाहिए। आप कहाँ से आए? मैं बिहार से आया हूँ। कब आए अयोध्या? हो गए 5 दिन। हो गए 5 दिन? तो 5 दिन से किसका इंतजार कर रहे थे? राम जी का इंतजार कर रहे थे। अभी इंतजार खत्म हो रहा है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये कैसे बना राम मंदिर? कभी सोचा था कि इतना, जिसके लिए पीढ़ियां कुर्बान हो गई, इतने संघर्ष करने पड़े, कभी इतना अशुभ दिन आएगा? जी नहीं सोचा था। कैसे संभव हो पाया? ये डबल इंजन की सरकार के वजह से संभव हो सका। डबल इंजन की सरकार।
और वो लोग जो राम मंदिर पर सियासत करते हैं, प्रभु श्री राम को लेकर सवाल उठा रहे थे, उनको क्या संदेश दे रहे हैं अयोध्या में? वो मेरे को पता नहीं। कैसा लग रहा है राम मंदिर? बहुत अच्छा लग रहा है। हम महाराष्ट्र से सांगली से आए हैं और 40 किलोमीटर चल कर आए हैं हम पटरी से। दर्शन हुए? अभी जा रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं इतने संघर्षों के बाद राम मंदिर बन रहा है और आप दर्शन करने जा रहे हैं? बहुत बहुत महसूस, इतने खुशी कर रहे हैं कि मतलब जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि डबल इंजन का सरकार बनाए हैं, नहीं तो कोई उम्मीद नहीं था। और जो विपक्ष बोलता है तो उनका बोलना गलत है, और वो जैसा जितना वो मोदी के विपक्ष में बोल रहे हैं तो उनका और वोट कम होते जाते हैं। इनको बोलना चाहिए कि हाँ राम मंदिर बना तो सबको ही अच्छा है। लालू यादव के बेटे बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम जाने नहीं देंगे, हम लोग खुद आने नहीं दिए बिहार से, हम लोग कैसे कैसे आए बिहार।